मार्च 1 तारीख आरंभ हो तृतीय पर्याय टीकाकरण। तृतीय पर्याय टीकाकरण नहीं बीएमसी कमिश्नर कहते मार्च 1 वयस्क और बहुविध रोगाक्रांत को टीका दिया। भुवनेश्वर टीकाकरण 22 हस्पिटाल मनोनीत होती 10 घर और 12 सरकारी मेडिकल टीकाकरण। प्रथम दिन प्रति केन्द्र में 60 जन को टीका दिया। सोमवार आरोग्य सेतु आप और कोविन पोर्टाल पंजीकरण आरंभ हो। आरोग्य सेतु आप और कोविन पोर्टाल पंजीकरण कले ही टीका मिल। घर मेडिकल मंगलवार टीकाकरण से कहते सरकारी मेडिकल मागणार टीका दिया। घर मेडिकल 100 टंका सर्विस चार्ज पड़े। प्रथम और द्वितीय पर्याय टीकाकरण समांतरल भाव चलो बीएमसी कमिशनर कहते। ताछड़ा बाहर आसुवा लोकों लक्षण थे होम आइसोलेसन रे से कहते। नेक्स्ट फेज वैक्सीनेशन आरंभ हो जो जगार 60+ एज रे जो व्यक्ति माने अछंती तांकु वैक्सीनेशन दिया जिवो। प्लस 45-60 भितरे जो किसी कोमॉर्बिड कंडीशन लोक अछंती तांकु दिया जिवो। एंड ये कोमॉर्बिड को प्रकार रे अछंती एंड तांकर सर्टिफिकेशन केमिति होवो एटा सब गवर्नमेंट गाइडलाइन रे स्पेसिफिकली लिखा है छि। को प्रकार को मॉर्बिडिटी को अलाउ करा है छी सेटा भी 20 प्रकार को मॉर्बिडिटी को सेठी अलाउ करा है छी। काली जो हमार प्रथम पर दिन 1 मार्च को जो प्रथम लॉन्च हो छी से जगह रे हमें 10 प्राइवेट हॉस्पिटल रे आरंभ करिबू एंड 12 गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे आरंभ करा जिबू। सो जो 12 गवर्नमेंट हॉस्पिटल आछी से जगह रे हमार आइडेंटिफाइड लोको को हमें देबू। प्रथम दिन पाई हमें प्रत्येक सेंटर रे 60 लोकों को मोबिलाइज करी करी सेठी वैक्सीनेशन करिबा पाई टारगेट रखी छु। प्राइवेट हॉस्पिटल्स रे ऑन रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन करा जिबो। सो जो माने भी इंटरेस्टेड रहिबे से माने कोविन न्यू पोर्टल जो अच्छी ताको कोविन 2.0 कहा अच्छी से जगह रे से पोर्टल रे जाई करी निजे को रजिस्टर करी परिबे और आरोग्य सेतु द्वारा से माने निजे को रजिस्टर करी परिबे।